एवरीवन गुड इवनिंग, कैसे हो माय स्वीट फैमिली। उम्मीद करती हूँ भाई अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, चंगी भली अच्छी हूँ। और गाइस जैसे कि बता दूँ, आज डे है संडे और अभी हो गया है मतलब नाइट का 8 o'clock। और मैं जैसे कि अभी नहा कर फ्री हुई हूँ, देख सकते हो मेरा पीछे से बाल भी अभी मतलब कंघी भी नहीं की हूँ, गीला ही है थोड़ा थोड़ा। और मॉर्निंग से मैं पूरे काम क्लीन करने में लगी हुई थी क्योंकि मैं गुड़गांव से जब आई थी उसके बाद ऑफिस डेली हो गया था और मैं क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं कितना सारा कपड़े धोई हूँ और सारा कपड़ा इस पे फैलाना है अभी मुझे बाहर, सॉरी बाहर कपड़े फैलाने के लिए हमारे छत पे जाने के लिए गेट में लॉक लगी हुई है। तो भाई मैं छत पे नहीं जा सकती हूँ, मैं कैदी की तरह अपने घर में बंद हूँ। तो ये हमारे ससुर जी का देन है कि हमें लॉक लगा के बंद करके गए हैं। कोई नहीं, दिल से उनको भी थैंक यू करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ ये काम करने के लिए। जब हमारे हस्बैंड थे तो सेफ्टी के लिए जब अपने फ्लैट को कुंडी लगाते थे तो वो रात में आके गेट पीटते थे और गेट पीट के खुलवाते थे रात में। उधर से भी कोई कुंडी लगा लेता था तो वो भी गेट पीट के खुलवाते थे, चिल्लाने लगते थे, चीखने लगते थे। और आज मेरे लिए हर जगह से लॉक लग के गई है, मोटर चलाने के लिए लॉक लग के गई है, छत पे जाने के लिए सीढ़ियों में लॉक लगे, इतनी तक कि हमारे फ्लैट के भी जो मतलब इधर साइड से गेट डला है वो भी उस साइड से लॉक लगा कर गया है। तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कोई नहीं, आप लोग जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। और कितने दिन तक करोगे, कितने दिन तक कष्ट दोगे मुझे? एक दुखी को दुख देके कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये दुखी को दुख झेलने का हैबिट हो गया है। तो ये दुखी जब इतना बड़ा कष्ट झेल रही है, इतने कष्ट बड़े कष्ट में अपने आप को हैंडल कर रही है, तो ये कौन सी बड़ी चीज़ है यार, ये तो खुशी खुशी हैंडल कर लेगी। हमारे वजह से हमारे घर में गेहूं बेच के गया गया है, चावल बेच के गए गए हैं, ये सोचकर बेच कर गए होंगे कि मैं भूखे मरूंगी, मैं अपने दोनों बच्चे को लेकर रोड पे भीख मांगूंगी या भूखे मरूंगी। सोच तो कुछ ऐसे उन लोगों को होगा। तो दिल से शुक्रिया अदा आपको करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो काम किया बहुत अच्छा किया मेरे लिए, लेकिन सपोर्टेड अभी तक मैं जैसे कि वीडियो बना रही हूँ तो जीवित हूँ, आप लोग देख सकते हो कि मैं जिंदा हूँ और हमारे दोनों बच्चे भी जिंदा हैं अभी। ठीक है, मैं पांच तरह के सब्जी बनाकर नहीं खा रही हूँ, नमक रोटी ही खा रही हूँ, बट खुश हूँ। और जाके राखे साइयां, मार सके ना कोई, जब तक ऊपर वाला कोई इच्छा नहीं होगा, लोग मुझे जितना भी परेशान करोगे या कुछ भी लाख उपाय कर लोगे, अगर मेरा दिन नहीं पूरा हुआ होगा तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं धरती पे ही रहूंगी। तो मैं आप लोग को परेशानी से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सो हैप्पी। और बस गॉड को भी धन्यवाद करती हूँ कि आप भी मेरे लाइफ में बहुत सारा चीज़ अच्छा किया, अच्छे के साथ ही अच्छा किया, तो उनको भी दिल से थैंक यू। वो भी मेरे लाइफ में ये देखना चाहते थे कि बिना हस्बैंड का क्या क्या तुम झेलोगी, लोग कैसे तुमको बिना हस्बैंड का परेशान करेगा, लोग कैसे फायदा उठाना चाहेगा बिना हस्बैंड का। तो जो मेरे हस्बैंड, ये जो मकान बनी है ना, वो मेरे हस्बैंड दिन रात करके एक करके मकान बनवाए, ठीक है। पैसा अमाउंट ससुर जी का था, तो हर चीज़ पैसे से नहीं होता है, दिल और मेहनत से होता है। वो मेरे हस्बैंड एक दिन रात करके गए, आज उनके बीवी के लिए और बच्चे के लिए हर जगह से लॉक लग रहा है। कोई बात नहीं, आज जो बनवाए वो भोगने के लिए नहीं है, वो चले गए छोड़कर, तो हम तो भाई बाद में आए थे। मेरे हस्बैंड मार खाए हैं लोगों से मार खा कर ये मकान बनवाए, पुलिस थाना किए मेरे हस्बैंड बनवाए। उस टाइम दुनिया नहीं था, उस टाइम दुनिया अपना जॉब देख रहा था, अपना फैमिली देख रहा था। आज के डेट में दुनिया इतना लूटने की हवस में आ गई है कि सोच रहा है हिस्सा से भी ज़्यादा लूट लूँ। तो किसी का हक हिस्सा लेकर आबाद नहीं होगे, जितना में मतलब
कोई लाख रुपया कमाता होगा, 2 लाख कमाता होगा, फिर भी हैप्पी नहीं है, और मैं 10,000 भी कमा के बहुत खुश रहती हूँ। तो ये जीने का तरीका होता है कमाने, और उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं अभी अच्छी भली हूँ, हर चीज़ से सही हूँ, जीवित हूँ, इसी में मैं खुश हूँ, हमारे दोनों बच्चे जीवित हैं, आपके लोग चावल गेहूँ जो भी बेच कर गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं भूखे मर रही हूँ। तो गाइज आज मैं क्लीनिंग करने में ही लगी रह गई, इस रूम का लाइट नहीं है, सॉरी, इस रूम में भी लाइट कल मैं ला कर लगाऊंगी, तो इसलिए मेरा ये रूम है। और मैं आज पूरे दिन क्लीनिंग में रह गई, मेरा संडे आप लोगों को पता ही है कि पूरा क्लीनिंग में ही निकल जाता है। और अपना रूम दिखाऊँ, अपने रूम को तो ज़्यादा क्लीनिंग नहीं कर पाई, फिर भी की हूँ, बैठ गई, सॉरी, फोटो थोड़ा तिरछा हो गया है। और यहाँ पे ये बैठ के कर रहे हैं हम होमवर्क। तो यहाँ पे हो रही है मौसम बिल्कुल बारिश वाली, और बारिश हो भी रही थी, ओ सॉरी, लाइट भी, क्योंकि बारिश की वजह से लाइट भी बहुत ज़्यादा कट रही है। और मैं गई थी गाइस दूध लेने, बच्चे के लिए दूध लाने गई थी, तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लेकर आई हूँ। तो ये लाई हूँ मैं कटहल, और ये मैं बना हुआ मंचूरियन लाई हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से मैं बहुत ज़्यादा काम की हूँ, बहुत क्लीनिंग की हूँ। मैं होम टूर करवाऊँगी, आप लोगों का मांग था कि दी आप होम टूर करवाइएगा, तो मैं होम टूर करवाऊँगी, तो होम टूर में ही हर चीज़ दिखाऊँगी। और यहाँ पे लाई हूँ गोभी और ये टमाटर, क्योंकि हमारे बच्चे को ना तो भिंडी पसंद है, ना तोरी पसंद है, ना घिया पसंद है, तो उनके वजह से मैं गोभी लेकर आई हूँ और कटहल लेकर आई हूँ। जो खाना पसंद करते हैं वही लाती हूँ। और मॉर्निंग से काम कर करके बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए आइज में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरा। तो चलिए मैं पहले फटाफट सेक लेती हूँ रोटी, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। तो गाइस फाइनली मैं अपना खाना लेकर यहाँ पर आ गई हूँ, देख सकते हो आप लोग, ये है हमारा मंचूरियन एंड रोटी। तो अभी बहुत तेज मुझे भूख लगी है, तो मैं सोची पहले खाना खा लूँ। और यहाँ पे बहुत ही यम्मी मंचूरियन बनाता है, बहुत ही टेस्टी बनाता है, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ का मंचूरियन, बहुत ही पसंद है। और आप लोग बोलते हो ना मुझे कि आप बहुत स्ट्रांग हो, या जो भी आप लोग का कमेंट आता है मैं पढ़ते रहती हूँ, रिप्लाई भी देती हूँ। सिचुएशन जब आता है ना, तो लोग को ऑटोमेटिक ही स्ट्रांग बना देता है, अंदर से ताकत आती है। मुझे नहीं पता, इतनी थी नहीं, बट रियलिटी में आज के डेट में मैं बनी हुई हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। और मैं, जैसे कि आप लोग देखते ही हो हर वीडियो, मैं बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैं एक कदम भी अपने हस्बैंड के बिना नहीं चलती थी। अगर मुझे सब्जी भी लेने जाना होता था तो हस्बैंड के साथ ही जाती थी। बट ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे इंसान इतना स्ट्रांग बन जाता है। और कुछ तो मैं अपने घर वाले को देखकर स्ट्रांग बनी, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड को कुछ दिन ही नहीं गए हुए हुआ था, और मेरे घर में नौटंकी स्टार्ट हो गया था, और हमसे कोई पूछने नहीं आता था, और जितनी मतलब गांव की ससुराल के लोग थे, देवर लोग थे, वो सारे पूछने आते थे मुझे, बट अपने फैमिली में से मुझे कोई पूछने तक भी नहीं आता था, ना मेरे बच्चे को कोई पूछता था कि मैं मर रही हूँ या जी रही हूँ। इतने तक कि फ्रूट के लिए घर में झगड़ा होता था, जो फ्रूट आता था, फ्रूट्स वगैरह उस टाइम आता था, मैं तो एक ग्रेप्स तक भी नहीं लेती थी, नंद लोग देती थी ज़बरदस्ती, उसे मैं निकाल देती थी। मुझे उस टाइम फ्रूट ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा लाइफ कटेगा कैसे, और उस टाइम मतलब घर में फ्रूट लोग मतलब छोटी छोटी चीज़ें के लिए झगड़ा ये सब हो रहा था। उसी टाइम मैं माइंड में ठान ली थी कि अगर मैं आज के डेट में कमज़ोर बन गई, तो मेरे कमज़ोरी का फ़ायदा बहुत बुरी तरीके से उठाया जाएगा। और देखिए, कष्ट जो होता है वो कष्ट कभी था ज़िंदगी में हल नहीं होगा, वो कष्ट हमारा जब तक मेरा लाइफ रहेगा उस टाइम तक लाइफ पार्टनर एक कष्ट बन गया है। बट हाँ, मैं यही कोशिश की कि अगर मैं वीक हुई तो लोग बड़ा बुरी तरीके से फ़ायदा उठाएंगे, तो क्यों नहीं मैं स्ट्रांग बनूं। और वही सोचकर मैं आज स्ट्रांग बनी, और मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, अपने हस्बैंड का एक बार ज़रूर नाम लेती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे साथ रहना,
डरती हूँ, बट उनका नाम लेके, और मुझे ऐसा फील भी होता है कि वो मेरे साथ ही हैं, मेरे साथ ही चल रहे हैं। तो किसी का कोई नहीं होता है, खास करके ससुराल वाले किसी का नहीं होते हैं। सब बुरे टाइम में मजे लेने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी होते हैं, या सोचते हैं मेरा गुलामी करे, मेरा नौकर बने। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे नौकर किसी का बनाकर नहीं लाए थे कि भाई मैं चला जाऊँगा तो तुम दुनिया का नौकर बन के रहना। मैं किसका काम कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, लोग इस चीज़ से ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है, जैसे मेरे हस्बैंड के जाते ही नौकरानी बन गई कि लोगों का पैर पढ़ूँ, लोगों का काम करूँ। तो भाई चलिए, ब्लॉग लंबी हो जाएगी तो इस वजह से मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करना चाहती हूँ। और बहुत दिन से सोच रही थी मैं आप लोग से शेयर करूँ या ना करूँ, ये भी मेरे माइंड में चल रहा था। बट ये है ना कि मैं जब तक आप लोग से शेयर नहीं करती हूँ तो मेरे मन का जो रास है वो नहीं निकल पाता है। और आप लोग भी तो सच्चाई जानो, आप लोग तो बस श्वेता का फेस पे स्माइल देखते हो तो लगता है श्वेता बहुत खुश है, श्वेता को लोग बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे, यही फील होता होगा आप लोग को। ऐसा कुछ नहीं है, किसी का कोई नहीं होता है, एक अपना हस्बैंड ही होता है, वही दुनिया होता है, हर चीज़ है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। बट हाँ, प्राण नहीं निकलता है, हम जी रहे हैं। तो खैर गाइज, लाइफ है उतार चढ़ाव, जब गॉड गिफ्ट दिया तो खेलना भी हमें ही है। तो चलिए मैं अब यही लेती हूँ आप लोग से विदा, और जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे अगर आप लोग प्लीज़ नए आते हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और एक और रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी मेरे वीडियो पे ऐड आता है उसको फुल सीन कीजिए, आप लोग के हेल्प का मुझे ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए, और क्या बोलूँ, नी सब दूँगी।